बड़ी खबर, श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में अवैध निर्माण पर नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर पालिका की टीम ने न्यू लाइट सिनेमा मार्केट की दुकानों के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से तोड़ दिया है। तो वहीं वार्ड नंबर 4 में निर्माणाधीन बिल्डिंग को भी सील किया गया। दरअसल नियम विरुद्ध निर्माण का हवाला देकर इस भवन को सील किया गया है। मुख्य बाजार में टीम के द्वारा लंबे समय से प्याऊ पर कब्जे के मामले में बार बार नोटिस के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर ज्वेलर्स शोरूम को भी सील कर दिया गया। नगरपालिका टीम के द्वारा न्यू लाइट सिनेमा मार्केट में पार्किंग की जगह पर कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया। नगरपालिका अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण कार्यों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्रवाई हुई है अवैध निर्माण पर, नियम विरुद्ध निर्माण किए गए थे और इसी चीज का हवाला देते हुए ये अतिक्रमण कहीं पर ध्वस्त किए गए तो कहीं पर इन्हें सील कर दिया गया। नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई हुई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रीगंगानगर के बाजार की तस्वीरें, दुकानों के बाहर अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त भी किया गया तो कहीं पर इन्हें सील भी किया गया। प्राउ के साथ ज्वेलर्स के शोरूम को भी सीज कर दिया गया क्योंकि अवैध निर्माण इन्हें माना गया, नियम विरुद्ध ही निर्माण थे और ये देखिए जेसीबी की सहायता से इन निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा था। ये तस्वीर उस समय की है जब न्यू लाइट सिनेमा मार्केट की पार्किंग से ये अतिक्रमण हटाए जा रहे थे। इससे पहले नोटिस भी चस्पा किए गए थे और नोटिस भी दिया गया था बावजूद उसके जब ये जानकारी सामने आई। तो पूरी जानकारी फिलहाल लेंगे हमारे सहयोगी हेम सिंह, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेम सिंह, अवैध अतिक्रमणों पर बड़ी कार्रवाई हुई है नगर पालिका के श्रीगंगानगर में, क्या पूरी जानकारी? जी, फर्स्ट इंडिया को दर्शकों को हम बता दें कि रायसिंह नगर नगर पालिका टीम ने आज अल सुबह शहर में 3 स्थानों पर अलग अलग कार्रवाई की और न्यू लाइट सिनेमा मार्केट है जो मुख्य बाजार में स्थित है, यहाँ पार्किंग की जगह पर अवैध अतिक्रमण दुकानदारों के द्वारा किया गया था। करीब 40 फीट के इस अवैध अतिक्रमण को नगर पालिका ने जेसीबी के द्वारा तोड़कर ध्वस्त कर दिया और वहां से मलबा हटाया जा रहा है। तो वहीं तह बाजारी में बनी एक प्याऊ को लंबे समय से एक आभूषण विक्रेता के द्वारा लगातार कब्जा किए जाने से उसको नगर पालिका बार बार नोटिस दे रही थी लेकिन उसने प्याऊ का जो कब्जा नहीं छोड़ा था, जिसको लेकर आज प्याऊ के साथ में नगर पालिका टीम ने आभूषण के शोरूम को सीज कर दिया। तो वहीं वार्ड नंबर 4 में एक प्रॉपर्टी डीलर के बहुमंजिला भवन निर्माण में अनियमितता पाने पर नगर पालिका टीम के द्वारा उस मकान को भी सीज कर दिया है। लगातार नगर पालिका टीम द्वारा शहर में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं। तो वहीं कृषि भूमि पर भूमाफिया के द्वारा लगातार जो अवैध कॉलोनियां पिछले कुछ वर्षों में काटी गई थी उन कॉलोनियों पर भी नगर पालिका ने 65 अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी कर उन पर सीजर की कार्रवाई की जा रही है और नगर पालिका ने उन कॉलोनियों पर नगर पालिका के साथ साथ विवादित होने का बोर्ड भी लगा दिया है जिससे लेकर भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है। तो वहीं अवैध अतिक्रमणकारी हैं कई जगह, वो लोग अवैध अतिक्रमण हटाने में भी जुटे हुए हैं। देखिए हिमसिंह, इसमें एक और रोचक बात हो जाती है क्योंकि कई दफा नोटिस ऐसी कार्रवाइयों से पहले दिए जाते हैं लेकिन बावजूद उसके नोटिस को अनदेखा करके निर्माण या तो जारी रहते हैं या फिर वहां पर जो कार्य किए जाते रहे हैं, जो रिहायशी इलाकों में बने हुए अवैध निर्माण है वो बदस्तूर जारी रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाइयां होती है तो एक नकेल भी कसेंगी जो और भी अवैध निर्माण है क्षेत्र के। जी बिल्कुल, अवैध निर्माण जो है रिहायशी इलाके में हो या मुख्य बाजार में हो उन पर लगातार नगरपालिका प्रशासन द्वारा समय समय पर नकेल कसी जाती रही है लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक दबाव के साथ उन नोटिसों के बावजूद कार्रवाई को रुकवा लिया लेकिन वो कार्रवाई कुछ समय के लिए रुकी लेकिन लगातार जिस प्रकार से नगर पालिका में इस तरह की शिकायतें आई तो उसको लेकर के नगर पालिका टीम ने आज अल सुबह ये कार्रवाई की है। वहीं नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पहुंच से हो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को हम एक बड़ी बात बता दें कि हाईकोर्ट के डबल बेंच के द्वारा रायसिंह नगर की एक याचिका थी जिसमें डबल बेंच ने अवैध अतिक्रमणों को हटाने के आदेश गत दिनों श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर व नगर पालिका को दे रखे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।